अम्मी आप अपनी मेडिसिन की स्लिप दे दीजिएगा, मैं वापसी पर मेडिसिन ले आऊंगी। सनाया, सोमिया बता रही थी कि कल अरहम तुम्हें ले जाने आया था। जी हरी बेटा, चलो जल्दी से नाश्ता करो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। तुमने बहुत गलत फैसला किया, तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था। मम्मी, शौहर से इतनी मिन्नतें नहीं करवाते। अगर वो सब कुछ भुला के तुम्हें लेके जाने आया था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, उसे माफ कर देना चाहिए था। अपना नहीं तो बच्चों का तो सोचो। तुम्हारे सख्त फैसले का बच्चों के दिल पे क्या असर होगा? बात सख्त होने की नहीं अम्मी, बात एतबार की है। मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार पे कायम होता है। अगर एतबार ही ना हो तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता, ना मोहब्बत ना हक। देखो सनाया, अगर मर्द को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बात को तोल नहीं देना चाहिए। अरहम अगर खुद लेने आया था तो तुम्हें जाना चाहिए था उसके साथ। सनाया ना बिल्कुल ठीक है अरहम भाई के साथ नहीं जाकर। सनाया ने अरहम भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनका घर संभाला, बच्चों को मैके में ड्रॉप किया, जॉब की, उसका हक बनता है उनकी वफादारी पर। वफादार था तो लेने आया था, कोई और मर्द होता ना तो पलट के पूछता भी नहीं। भाई प्लीज, आप दोनों मेरी वजह से बहस मत करें। तुम हमेशा अरहम से प्रॉब्लम रही, बात सारी ये है। मैं सनाया का साथ इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मुझे अरहम भाई से कोई प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि मुझे अंदाजा है कि एक मर्द की बेवफाई का औरत पर क्या असर होता है। नाश्ता करो जल्दी से, फिनिश योर जूस, ओके? गुड गर्ल।